बढ़िया फ्लावर मठरी बनी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कितनी क्रंची है, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, बहुत ही बढ़िया है ये रेसिपी। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इस मठरी को स्टोर कर सकते हैं अबाउट 30 डेज तक एयरटाइट कंटेनर में। आप इसे किसी भी टाइम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीनन आपने ऐसी मठरी पहले नहीं बनाई होगी, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। खाना मनपसंद, मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं दिवाली के लिए आपके साथ एक नमकीन स्नैक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये साधारण सी मठरी है, लेकिन हम इसको बहुत ही सुंदर फ्लावर शेप में बनाएंगे, कि बिल्कुल यूनिक फ्लावर शेप है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट दिवाली के लिए इतना तो चलता है। तो हम मठरी बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मठरी के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। ये 260 ग्राम मैदा है, 1 कप में 130 ग्राम मैदा आता है। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। 70 ml घी लिया है, 260 ग्राम मैदा के लिए 70 ग्राम घी लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है इसको डो बनाने के लिए। तो मैं आपको पानी का मेजरमेंट बता दूंगी कि मैंने कितना यूज किया है। तो अब हम मठरी बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसका डो बना लेंगे, इसको गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने घी को पिघला लिया है। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप डालडा भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, आप घी यूज ना करना चाहें तो। सबसे पहले मैदा लेंगे, इसमें नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, अजवाइन डाल देंगे 1/2 टीस्पून, घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस मेजरमेंट से मठरी बनाएंगे तो काफी क्रिस्पी और खस्ता मठरी बनती है। ये देखिए डो इस तरह जुड़ने लगेगा, इसकी ब्रेड क्रम्स जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हम इसमें 60 ml से 70 ml तक घी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर जो पानी है उससे इसका डो लगाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी ताकि हमें पता लगे कि हमने कितना पानी ऐड किया है। बहुत थोड़ा पानी ऐड करेंगे पहले हम। अगर आप एक साथ ज्यादा पानी डाल देंगे तो डो जो है वो ढीला हो जाएगा और मठरी अच्छी नहीं बनेगी। इसके लिए टाइट डो होना जरूरी है मठरी क्रिस्पी और फोकी बनाने के लिए। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए डो बनाने में पूरा 1/2 कप पानी लग गया है। तो 2 कप मैदे का डो बनाने के लिए सिर्फ 1/2 कप पानी यूज हुआ है। तो अब हम इस डो को एक समेट लेंगे, 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 20 मिनट के बाद मठरी बनाना शुरू करेंगे, उससे डो जो है स्मूथ हो जाएगा। तब तक इस डो को हम ढककर रख देंगे, इसी में ढक देंगे हम इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरह से मस लेंगे ताकि स्मूथ हो जाए अच्छे से। वैसे तो हम इसी डो से मठरी बनाते हैं, अगर हमें फ्लावर मठरी बनानी है तो हमें इसको थोड़ा स्मूथ करना होगा। हम इसमें हल्का सा घी लगा लेंगे। ये देखिए डो अब प्लायबल है, आप इसे गूंद सकते हैं और इससे इजीली मठरी बना सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि डो थोड़ा स्टिफ होना चाहिए, तभी मठरी अच्छी बनती है। हम इसका लॉग बना लेंगे। मैं इसे 2 हिस्सों में काट लूंगी और इसकी 2 पेड़ियां बना लूंगी। हम इसे उतनी थिकनेस का बेल लेंगे जितना कि हमने मठरी बनानी है। देखिए हमने डो को बेल लिया है, अब हम इसके स्क्वायर्स कट कर लेंगे। पहले मैं इसको प्रॉपर शेप दे लूंगी, इससे स्क्वायर्स काटने में इजी हो जाता है। तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए बस इतनी थिकनेस होनी चाहिए। मैं आपको एक मठरी बनाकर दिखाती हूँ। तारों में जिस पर हल्का सा पानी लगा लेंगे, ऐसा करने से ये इजीली चिपक जाते हैं सेंटर में। ये दोनों कॉर्नर्स इस तरह से यहाँ मिला देंगे और ये वाला कॉर्नर भी यहाँ मिला देंगे। ये देखिए अब हम इसके, आप देख पा रहे होंगे जो ये कॉर्नर्स बने हुए, इनको कट कर लेंगे नीचे की तरफ से भी। बिल्कुल बीच से कट नहीं करेंगे, सिर्फ इसके एजेस कट करेंगे, किनारे कट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए बस इतना इतना कट करना है हमें। तो ये कट करने के बाद हमने यहाँ पर जो ये ज्वाइन किया था इसको सेंटर में प्रेस कर देंगे। जो इसके ये किनारे हैं इनको आपस में इस तरह से चिपका देंगे, ये इसको भी चिपका देंगे।
ये देखिए खुल रहे हैं, तो अगर आप इसमें पानी लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, अच्छे से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। देखिए इस तरह से फ्लावर मठरी रेडी है। हम इसके बीच में लौंग या काली मिर्च लगा देंगे। देखिए बीच में हम इसे काली मिर्च लगा देंगे। मैं एक और मठरी बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपको लगे कि ये बेलने के बाद थोड़ा छोटा हो रहा है तो आप इसको एक बार और बेल लें हल्का सा। चारों कोने गीले करेंगे, इनको चिपका लेंगे और इसको बीच में से प्रेस कर देंगे, काली मिर्च लगाकर इसको प्रेस कर देंगे। इससे ये अच्छे से बंध भी जाते हैं और चिपक जाते हैं। चारों कॉर्नर्स को इस तरह हल्का हल्का कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी फ्लावर्स रेडी कर लेंगे। मैंने फर्स्ट बैच फ्राई करने के लिए रेडी कर लिया है। इसमें 8 मठरी हैं तो एक बार में 6 से 8 मठरी फ्राई होंगी, तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, पहले हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम मठरी के लिए फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। तो एक एक करके मठरी हम ऑयल में डाल देंगे, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और मठरी को फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। डेफिनेटली लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये मठरी कहाँ से मंगवाई। ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है इसलिए मैंने गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दिया है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये मठरी। इसे एक पैच को फ्राई करने में लगभग 6 से 8 मिनट लगते हैं। ये देखिए बीच बीच में इन्हें पलट लेंगे ताकि हर तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। देखिए ये काफ़ी अच्छी फ्राई हो चुकी है, तो मैं फ्लेम जो है वो मीडियम कर रही हूँ। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से पक जाएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल क्रिस्पी मठरी बनानी है तो उसके लिए हम इसे लो टू मीडियम पर ही फ्राई करेंगे। देखिए इन मठरी पर अच्छा कलर आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन, तो हम इन्हें निकाल लेंगे, हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्लावर मठरी बनी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कितनी क्रंची है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया है ये रेसिपी। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इस मठरी को स्टोर कर सकते हैं अबाउट 30 डेज तक एयरटाइट कंटेनर में। आप इसे किसी भी टाइम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीनन आपने ऐसी मठरी पहले नहीं बनाई होगी, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग खाना मनपसंद। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।